स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सिक्स। दिस इज योर कंप्यूटर साइंस क्लास। लास्ट डे हमने क्या था, मोर ऑन एमएस एक्सेल 2007, इंट्रोडक्शन एंड टेक्स्ट फॉर्मूला, हाउ टू राइट टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल एंड ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एंड आपका रहता है रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। एंड उसके बाद हम कर रहे थे ऑपरेटर प्रिसिडेंस, लाइक कैसे हम अपने एक्सेल में, अपने एक्सेल शीट में हम कैसे टेक्स्ट को राइट करते, कैसे फॉर्मूला उसमें लिखते हैं, ठीक है, कैसे स्टार्ट करते, फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है। एवरी एक्सेल फॉर्मूला मस्ट बी स्टार्टेड विद एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड हाउ टू कॉपी फॉर्मूला, कैसे हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला अपनी एक्सेल शीट में। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल, एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे एमएस एक्सेल ओपन करते हैं और कैसे उसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं, कैसे उसमें फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्मूला टाइप करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, टू स्टार्ट एमएस एक्सेल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यू कैन सी स्टार्ट बटन, एंड देन सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन ऑल एप्स। अगर हम लोग विंडोज 7 की बात करें तो विंडोज 7 के अकॉर्डिंग आपका स्टार्टअप कुछ अलग रहता है। ये हमारे पास विंडोज 10 है तो विंडोज 10 के अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट कुछ अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सेम चीज रहती है, सेम प्रोसेस होता है। वहां पर स्टार्ट बटन होता है, ऑल प्रोग्राम होता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल होता है, बट यहाँ पर ऑल प्रोग्राम की जगह हमारे पास आएगा ऑल एप्स, ठीक है। थोड़े से चेंजेस है, ज्यादा नहीं है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑल एप्स एंड देन हमारे पास यहाँ पर जितनी भी एप्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, देन उसके लिए क्या रहते हैं हमारे पास, तो वहां पर क्लिक करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, कंप्लीट पैकेज है ये, जिसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आता है, एमएस वर्ड भी आता है, एमएस पावर पॉइंट भी आता है, एमएस पब्लिशर भी आता है और एमएस एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास थर्ड स्टेप रहेगा क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड अब हमें क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो हमारे पास एमएस एक्सेल विंडो अपीयर, यहाँ पर एमएस एक्सेल विंडो जो है अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने इसके फंक्शंस पढ़े होंगे, इसके एलिमेंट्स पढ़े होंगे, ऑफिस बटन, रिबन के अंदर आपके टैग्स आते हैं, डिफरेंट टैग्स आते हैं, ग्रुप्स आते हैं डिफरेंट, आपका जो भी टाइटल होता है, टाइटल बार के अंदर आपकी वर्कशीट का टाइटल आएगा, मतलब बुक वन है, वर्क बुक ये आपके पास वन है तो बुक वन के नेम से वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टाइटल डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर आपके पास क्लोज बटन, रिस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन, ये भी आपके टाइटल बार के अंडर ही आते हैं। देन ये जो आपकी शीट है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है, जहां पर आप अपना टेक्स्ट राइट करते हो, अपना फॉर्मूला टाइप राइट करते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो ईच सेल, ये जो यहाँ पर जो भी सेल है ये इसका अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ईच सेल हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस। लाइक यहाँ पर एच है, ये कॉलम एच है, जैसे कॉलम ए बी बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं, देन रोज हमारे पास 1, 2, 3, 4 रोज के इसमें आ जाएंगी। देन अगर मैं बात करूं कि मुझे इस सेल का एड्रेस पता करना है कि इस सेल का एड्रेस क्या है,
तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा हमारे पास B5। क्यों? क्योंकि B कॉलम हमारे पास कॉलम B है एंड रो हमारे पास 5 है। तो B5 क्या होगा इस सेल का एक्टिव सेल का, ये जो एक्टिव सेल है करंट सेल है जिसपे मैंने क्लिक किया है, ये आपकी एक्टिव सेल होती है, ठीक है, जिस पर आप करंटली काम करते हो, ठीक है। देन ये आपका आ गया B5, ठीक है। उसके बाद कैसे हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अपनी जो जैसे लिस्ट होती है आपके जो मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे स्कूल का यहाँ पर नाम हम टाइप करेंगे क्योंकि हमें अपने क्लास 6 की डिटेल यहाँ पर लिस्ट बनानी है एक, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक लिस्ट, ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने स्कूल का नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, हम लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उससे हम वहां पर क्लिक करेंगे तो हम अपना राइट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने स्कूल का नेम लिख देते हैं, हिमालयन पब्लिक स्कूल, ठीक है, हमने यहाँ पर नेम लिख दिया हिमालयन पब्लिक स्कूल। तो हम बात करते हैं, अभी आपकी सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन हुई, ठीक है, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन हुई तो इसमें आपके मार्क्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, तो हर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कहाँ पे बनाते हैं उसको, एक्सेल शीट में बनाते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे टर्म 1, अभी के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टर्म 1, ठीक है। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया टर्म 1 एग्जामिनेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जामिनेशन एंड क्लास 6, हमने यहाँ पर स्कूल का नेम लिख दिया टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 6 लिख दिया, ठीक है। अभी हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना लेते हैं इसकी सबसे पहले। तो लिस्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रोल नंबर आता है हमारे पास, रोल नंबर, देन नेक्स्ट हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम लिखा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, और भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर को शॉर्ट फॉर्म में जस्ट साइंस नहीं लिख रही हूँ, कंप्यूटर ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिए, इसको मैं थोड़ा सा जस्ट वेट, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इस तरह से लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो 3 ही सब्जेक्ट लिखते हैं हम, ज्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हमने जस्ट शो करने के हाउ टू कॉपी फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं फ्रॉम 1 सेल टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो सबसे पहले रोल नंबर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिख दिया, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं, या तो एरो की यूज करते हैं या तो हम माउस से हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसको रेंज ऑफ सेल को हम यहाँ पर जस्ट ड्रैग करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ माउस, तो यहाँ पर हमारे पास अपने आप ही एक रेंज आ जाएगी, यहाँ पर रोल नंबर अपने आप ही आ जाएंगे, मुझे अगेन उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं, जैसे क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अक्षरा,
देन वरदान, उसके बाद हिमानी, नेक्स्ट कृतिका। तो हम यहां पर फोर ही स्टूडेंट्स के नेम लिख रहे हैं, ठीक है, फोर स्टूडेंट्स के नेम लिख रहे हैं। देन इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, टर्म वन में इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उनके, यहां पर टर्म वन की जगह हम लिख लेते हैं, ओके टर्म वन ही ठीक है, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में मार्क्स है, लेट्स हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि कितने मार्क्स हैं, क्योंकि यहां पर हमने लिख लिए 65 मार्क्स, और मैथ्स में 65 में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके मार्क्स हमेशा ज्यादा आते हैं, तो यहां पर हम 75 लिखेंगे, ठीक है। 75 मार्क्स लिख लिए हमने यहां पर आउट ऑफ 80, नॉट 100, आउट ऑफ 80 हमने यहां पर 75 मार्क्स लिखे। देन 70 लिख लिए मैथ्स में, कंप्यूटर में भी हम 75 लिख देते हैं, फिर यहां पर 78, नेक्स्ट हम माउस की हेल्प से या फिर टैब की हेल्प से हम उसको, या फिर एरो की हेल्प से, हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं, हम जब भी नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं या तो टैब की यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम माउस क्लिक से करते हैं, या फिर हम एरो की यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कीबोर्ड की हेल्प से हम एरो की और टैब की यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास मार्क्स रहते हैं 60, देन 76, यहां पर मार्क्स आ गए हिमानी के 69, 69 या फिर 60, और यहां पर 77, कृतिका के मार्क्स लिख देते हैं यहां पे 66, यहां पर हम लिखेंगे 68, और कंप्यूटर में 75। अब हम टोटल की बात करें, ये हमारे पास एमएस एक्सेल में हमने शीट बना ली, ठीक है, शीट बना ली अपने स्कूल की, यहाँ पर सिक्स क्लास की शीट बना ली, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए, इंग्लिश मैथ्स कंप्यूटर साइंस एंड टोटल। अब आपको कॉपी करना है फॉर्मूला, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट सेल में अपना फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा कि फर्स्ट में कैसे अप्लाई करोगे। तो टोटल में जब भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो किसके साथ स्टार्ट करेंगे, किसके साथ स्टार्ट करते हैं, विद इक्वल टू साइन, हम इक्वल टू साइन लगाएंगे तभी हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा, ओके। तो हमने इक्वल टू साइन लगाया। अब देखो कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कौन सा कॉलम है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ही इसने कॉलम बता दिया कि कॉलम सिक्स है, C6 कॉलम सिक्स, रो सॉरी कॉलम आपका सी है, रो आपकी सिक्स है, ठीक है, कॉलम सी एंड रो आपकी यहां से शो हो जाएगी, रो सिक्स हाईलाइट हो गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप चूज करोगे, इसके लिए आपको करना क्या, बेसिकली सम करना है, टोटल निकालना है, तो कैसे करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। देन मैथ्स के मार्क्स आपने लिखने हैं, मैथ्स आपका वहां पर है, कौन से कॉलम में कौन सी रो है, D6 कॉलम बी है, रो आपके सेम रहेगी हर केस में, ठीक है। एंड देन प्लस साइन कैसे लगाया, कीबोर्ड से। देन आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा यहां पर C6 इक्वल टू साइन C6 प्लस D6 प्लस E6, तो इसको क्या करेंगे, अब मैंने फॉर्मूला लिख लिया फर्स्ट सेल में, राइट द फॉर्मूला इन द फर्स्ट सेल एंड देन प्रेस एंटर की, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है तभी आपका जो टोटल है वो यहां पर शो कर देगा, यहां पर टोटल आ गया 220, ठीक है, टोटल आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, खुद से तो नहीं कैलकुलेट किया इसको, 75 प्लस 70 प्लस 75, एक्सेल शीट ने उसको ऑटोमेटिकली, हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और यहां पर आपका आपको आंसर मिल गया। देन
अब इसको मुझे सेम नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, पर वहां पर आपका कॉलम तो सेम रहेगा बट रो चेंज हो जाएगी क्योंकि ये रो सिक्स थी, ये आपकी रो आ जाएगी, ये कौन सी रो आ जाएगी आपकी रो सेवन, ये देखो रो सेवन कॉलम सी डी एंड ई। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे फर्स्ट के हमारे पास मार्क्स आ गए थ्री सब्जेक्ट्स के, ठीक है, देन हम क्या करते हैं यहां पर देखना इसको ब्रिंग द माउस पॉइंटर। अब माउस की हेल्प से मैंने इसको क्या किया, जस्ट सिलेक्ट किया सेल को जिसको मुझे ड्रैग करना है, ठीक है, एंड ऑफ द सेल तक लेकर जाना है मुझे इसको, जहां तक कि मुझे इसके फॉर्मूला अप्लाई करना। देन यहां पर देखो कि जब मैं इसको माउस पॉइंटर देखना कि ये अपने आप ही, देखो यहां पर जैसे ही मैं इसको प्लेस कर रही हूं तो इसकी माउस पॉइंटर की शेप अपने आप ही प्लस साइन में चेंज हो रही है, प्लस साइन में चेंज हो रही है। ये बोल रहा है कि मुझे ड्राई करके मेरा पूरे इसमें अप्लाई कर दो फॉर्मूले जहां तक आपको चाहिए। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको ड्रैग करूंगी, इसको बोलते के बेसिकली इसको बोलेंगे फिल हैंडल, क्या बोलेंगे इसको, फिल हैंडल, फिल हैंडल। ठीक है, यहां से मैं उसको जैसे ही माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला सेम अप्लाई हो गया, सेम फॉर्मूला कॉपी हो गया। 220 यहां पर जितने भी मार्क्स हैं मार्क्स से बढ़ेगा, खुद से सम करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जस्ट ड्रैग किया है माउस पॉइंटर को एंड ऑफ द सेल जहां तक कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने अलग से दूसरे सेल में यहां पर अप्लाई नहीं किया कि डी आपके पास सी सेवन प्लस डी सेवन प्लस ई सेवन, उसको कॉपी करने की हमें, जस्ट हमने कॉपी कर लिया उसको राइट करने की नीड नहीं है दोबारा से, अगेन एंड अगेन उसको राइट नहीं करना है। ठीक है, तो ये रहता है आपका कि आप फॉर्मूला कैसे कॉपी कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फिल हैंडल। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये जो प्लस साइन से हमने ड्रैग किया इसको बोलते हैं हम फिल हैंडल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटिस्टिकल फंक्शन इन एम एस एक्सेल। हमने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी सम फंक्शन, सम एवरेज मैक्स मिन, सम का मतलब क्या, टोटल, जैसे अभी हमने सम किया, एवरेज कैसे निकालेंगे इसकी, मैथ्स में तो हम करते हैं कैलकुलेट करते हैं उसको, सम करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आपके टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, वैसे ही करते हैं। देन मैक्स एंड मिन, मैक्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितने नंबर है वहां पे, कितनी वैल्यूज है, मैक्सिमम आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है वो शो करता है। ठीक है, मिनिमम में मतलब जो आपकी मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बताएगा। कैसे, यहां पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको, जस्ट अगेन मैं इसको यहां से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, इसको जस्ट मुझे हटा देना है। ठीक है, इसको मैंने यहां से हटा देना है, अभी मुझे सम फंक्शन अप्लाई करना है क्योंकि टोटल जो किया वो भी हमने सम ही किया, सी सिक्स प्लस डी सिक्स प्लस ई सिक्स, ठीक है, सम किया हमने, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो अगेन आपका जो ये जो सम रहता है इसको बोलते हैं फंक्शन, और ये जो ब्रैकेट होती है ब्रैकेट के अंदर हमारी जो होती है वो आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट मीन्स आप एक रेंज बताते हो, उसमें एक रेंज बताओगे, एक स्पेसिफिक रेंज बताओगे कि यहां से इस कॉलम से इस रो से कॉलम ए, कॉलम ए रो वन यहां से लेकर मुझे ए फाइव तक का सम करना है, तो आप एक रेंज बता रहे, एक वहां पे आर्ग्यूमेंट होती है। ठीक है, कि इस ये आपकी जो आर्ग्यूमेंट होती है वो विद इन ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के अंदर होगी आपकी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि सम तो सम फंक्शन है, प्लस कर देगा उसको। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहां पर हम सम फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास यहां भी दो मेथड होते हैं, या तो आप टैब
पर क्लिक करके कर सकते हैं, फॉर्मूला टैब पर क्लिक करके कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे अंडर फॉर्मूला टैब, यहाँ पर फॉर्मूला टैब पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको एम्प्टी सेल सिलेक्ट करनी है जहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली एक्टिव सेल। यहाँ पर एक्टिव सेल कौन सी है, टोटल के बाद जो हमारे पास सेल है ये एक्टिव सेल है। ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब अंडर रिबन, रिबन के अंडर आती है टैब होम इंसर्ट पे, होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू, ये सब आपके क्या है टैब है और रिबन के अंडर आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला टैब पर क्लिक किया, देन आपके पास यहाँ पर देखो इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन में देखते हैं इंसर्ट फंक्शन में क्या है। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इंसर्ट फंक्शन का, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप यहाँ पर लिखा है सम करना चाहते हैं, एवरेज निकालनी है, इफ हाइपरलिंक काउंट मैक्स मिन क्या फाइंड करना है, मैक्स मिन कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली सम करना है, तो हम सम ही चूज करेंगे। ठीक है, देन सिलेक्ट किया हमने सम फंक्शन, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको एक बार क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अब हम करेंगे ओके बटन पर क्लिक करेंगे, किस पर क्लिक करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है, देन अगेन यहाँ पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अब बोला है फंक्शन आर्ग्यूमेंट, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट आ गया। अब इसके अंदर मुझे कौन से सेल को करना है, कौन सी रो को करना है, कौन से कॉलम को करना है, सम कौन से नंबर्स के बीच का सम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर ये लिखा भी है 75, 70, 75, कौन से थे ये मार्क्स हमारे, इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स 75, 70 एंड 75, तो ये रेंज यहाँ पर आपके पास यहाँ भी शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर अपना जस्ट फॉर्मूला होगा, उसके बाद अगेन आप क्या करोगे, अगेन आपने ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका सेम रिजल्ट आ गया 220। टोटल किया, कैसे किया, फर्स्ट मेथड क्या था, अप्लाई किया हमने जस्ट स्टार्टेड विद इक्वल टू साइन, सिलेक्ट द कॉलम रो कौन सा था उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सारे कॉलम को सिलेक्ट किया, देन प्लस साइन हमने ऐड किया, क्यों, क्योंकि हमें सम करना था उसका। देन सेकंड मेथड क्या था हमारे पास, गो टू फॉर्मूला टैब। ठीक है, फॉर्मूला टैब के अंडर, फॉर्मूला टैब के अंदर इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट हमने वहां पे डाली, आर्ग्यूमेंट क्या थी, रेंज थी कि कौन सी रेंज तक, कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, देन सेम आंसर हमारा 220 आ गया। इसका एक और मेथड होता है, तो दो मेथड हो गए, एक और मेथड रहता है आपका इस केस में हम बात करें, जिसमें इसको फिर से हाँ ये देखो, अगर आप खुद से टाइप करते हैं इक्वल टू सम लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट आपने रेंज देनी है, आर्ग्यूमेंट देनी है, उसको आप खुद से लिखोगे C6 to E6। यहां पर आप कॉलन लगाते हैं, कॉलन, ठीक है, जो ये बिंदियां आपको दिख रही हैं इसको बोलते हैं कॉलन। तो आप अगर खुद से भी टाइप करते हो ना तब भी सेम ही रिजल्ट आता है। मैं इसको जस्ट यहां से डिलीट कर रही हूं एंड खुद से टाइप कर रही हूं। ठीक है, सम अब ब्रैकेट क्या करना है मुझे, इस रेंज को इंग्लिश टू कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करना, रेंज को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इस ये जो ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं हम, दोनों ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस। ठीक है, हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हम पैरेंथेसिस।
तो सेम आपका सम आ गया 220, मतलब हमारे पास थ्री मेथड है सम निकालने के, सेम एवरेज, सेम मैक्स, सेम मिन फंक्शन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है शॉर्टिंग डेटा, शॉर्टिंग डेटा, मैक्स और मिन और एवरेज आप यहीं से सेम फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टिंग डेटा, शॉर्टिंग डेटा मीन्स अरेंजिंग, अरेंजिंग डेटा इन ए असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। कैसे अरेंज करते हैं सेट ऑफ डाटा को, कैसे अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कैसे, जैसे ए टू जेड, जेड टू ए, असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड, डिसेंडिंग ऑर्डर जेड टू ए। जैसे आपके नेम होते हैं अक्षरा से लेकर एंड अक्षरा, हिमानी, वरदान, जो अभी हमने नेम यहां पर लिखे हैं, फर्स्ट लेटर क्या है आपका ए, अक्षरा, हिमानी बीच में आएगा एच, देन आपका वरदान सबसे एंड में आएगा, ठीक है। तो कैसे, अगर हम ए टू जेड की बात करें तो सबसे पहले अक्षरा, फिर हिमानी, फिर वरदान आएगा, उसके बाद अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले वरदान का नाम आएगा, फिर हिमानी का नाम आएगा, फिर अक्षरा का नाम आएगा, ठीक है। मीन्स अरेंजिंग अ गिवन सेट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड शॉर्टिंग, ठीक है। एंड हाउ टू शॉर्ट डाटा, अब डाटा को शॉर्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इसको ड्रैग करके ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई कर देते हैं। हाउ टू शॉर्ट डाटा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, सिलेक्ट द सेल्स टू शॉर्ट द डाटा इन इट। यहां पर हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है कि जहां से आपको डाटा को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे हम इसको, देन ये देखो रोल नंबर से मैंने इसको सिलेक्ट किया अप टू टोटल, टोटल तक मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब क्लिक द डाटा टैब अंडर रिबन, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपके रिबन के अंडर है। डाटा पर क्लिक किया, देन आप यहां पर देखो आपके पास ऑप्शंस आते हैं शॉर्ट, शॉर्ट योर डाटा ए टू जेड, जेड टू ए, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। हम करेंगे क्या बेसिकली, यहां पर हमने करना है शॉर्ट डाटा और इन विच ग्रुप, किस ग्रुप में बैठ रहे हैं, शॉर्ट डाटा, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यहां पर करेंगे शॉर्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर, देन आपके पास यहां पर शॉर्ट पर क्लिक किया तो यहां पर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स यहां पर आपके पास आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय, शॉर्ट ऑन, ये देखो यहां पर शॉर्ट बाय ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर शॉर्ट ऑन ऑप्शन दिख रहा है, देन ऑर्डर, ऑर्डर आपका ए टू जेड या जेड टू ए, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ए टू जेड और जेड टू ए, ठीक है। शॉर्ट ऑन में यहां पर जो भी जैसे भी चाहिए आपको, जैसे ए टू जेड तो ऑलरेडी था, हम करते हैं जेड टू ए, यहां पर देखो शॉर्ट बाय, नेम से करना है, रोल नंबर से करना है, मार्क्स मार्क्स के बेसिस पर करना है, कैसे करना है, हम करेंगे इसको नेम के बेसिस पर, नेम बेसिस पर करेंगे, ठीक है। देन वैल्यूज, वैल्यूज आपकी वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अब हमने चूज किया नेम बेसिस, वैल्यूज एंड जेड टू ए, देन हम क्लिक करेंगे ओके बटन, इकॉन ओके बटन, तो ये देखो जैसे हमारे पास डेटा था वरदान, प्रीतिका, हिमानी, ऐसे ही होता है ना, ए बी, ए के बाद आपका एच आएगा, एच आई जे के, के आएगा और एंड में वरदान आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जेड टू ए किया, बाय नेम हमने उसको शॉर्ट किया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया,
मतलब रोल नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर, रोल नंबर भी आपका अक्षर के नेम के साथ अक्षरा का ही रोल नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि वर्तमान पर यहाँ पर ये आ गया तो उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर चेंज हो जाएगा, रोल नंबर सेम ही रहेगा, जिसका जो रोल नंबर है वो अपनी ही पोजीशन रहेगा, अपनी ही पोजीशन लेगा, नेम उसका चेंज हो जाएगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग टू असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।